उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में दूसरे के अभिलेखों पर नौकरी करने वाली एक शिक्षिका को एसटीएफ ने खोज निकाला है। मामला सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त करने वाली शिक्षिका चिन्हित की गई है। फर्जी नियुक्ति शिक्षकों की जाँच कर रही एसटीएफ टीम ने सिद्धार्थनगर के बीएसए को जानकारी दी है कि जिले के नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बस डीलिहा में कार्यरत प्रधानाचार्य फतेहपुर में तैनात अमिता शुक्ला नामक टीचर के हूबहू प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रही है। इनकी नियुक्ति 2009 में सहायक अध्यापक के पद पर डावा क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल सुखरामपुर में हुई, फिर प्रमोशन पाकर नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बस डीलिहा में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हुई और लगभग 14 वर्ष से ये शिक्षिका विभाग की आंखों में धूल झोंक कर नौकरी करती रही। पहला नोटिस जारी होने के बाद से यह फर्जी शिक्षिका स्कूल से फरार हो गई। इस मामले को लेकर बीएसए देवेंद्र कुमार पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एसटीएफ ने यह जानकारी दी है कि फतेहपुर में तैनात प्रधानाचार्य अमिता शुक्ला के जाली दस्तावेजों के आधार पर सिद्धार्थनगर में एक शिक्षिका नौकरी कर रही है, जो कि प्राथमिक विद्यालय बस डीलिहा में तैनात है। इनको तीसरा नोटिस दिया गया, अगर एक सप्ताह में इन्होंने अपने पक्ष में मांगे गए मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाए तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, साथ ही वेतन की रिकवरी का प्रयास भी किया जाएगा। अमिता शुक्ला हमारे जनपद के नौगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बस डीलिहा में प्रधानाध्यापक के रूप में 2009 से कार्यरत हैं। इस संबंध में शिकायत मिली थी एसटीएफ को और एसटीएफ ने इनके डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया गया था। उनके द्वारा जांच करके ये उपलब्ध कराया गया है कि ये किसी और के नाम पर छिद्म रूप से नौकरी कर रही थी। अमिता शुक्ला नाम की दूसरी प्रधानाध्यापिका जो फतेहपुर ज़िले में कार्यरत है, तो इनकी मार्कशीट पूरी मार्कशीट दूसरे का उपयोग करके इनके द्वारा नौकरी किया जा रहा है। इसके लिए इनको नोटिस जारी किया गया है और शीघ्र इनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।